हेलो फ्रेंड्स, आपका मेरे एक और वीडियो में स्वागत है। आज हम देखेंगे फॉर्मेशन ऑफ सॉइल। फॉर्मेशन ऑफ सॉइल जो दो टाइप की होती है, दो तरीके से होती है। एक तो मैकेनिकल वेदरिंग और दूसरी है केमिकल डिकम्पोजिशन, या फिर हम इसे केमिकल वेदरिंग बोल सकते हैं, या फिर इसको हम बोल सकते मैकेनिकल वेदरिंग को फिजिकल डिसइंटीग्रेशन। तो फिजिकल डिसइंटीग्रेशन जो होती है मैकेनिकल वेदरिंग, वो चार पांच टाइप की होती है। आइए बात करते हैं सबको। पहली क्या है, थर्मल एक्सपेंशन या टेम्परेचर चेंज भी बोल। टेम्परेचर चेंज की वजह से जो सॉइल फॉर्मेशन हो, ऑल टाइप ऑफ रॉक मे नॉट हैव सेम थर्मल कोफिशेंट दैट दे बिहेव डिफरेंटली फॉर डिफरेंट टेम्परेचर। मतलब सब रॉक्स का जो है थर्मल कोफिशेंट सेम नहीं है, मतलब टेम्परेचर चेंज होने पे सब बिहेव करेगी डिफरेंटली। तो उनमें क्या होगा, कॉन्ट्रैक्शन एंड एक्सपेंशन होगा, जिसकी वजह से उनमें कॉन्ट्रैक्शन एक्सपेंशन होगा, जिसकी वजह से उनमें वो प्रोसेस रिपीट होता रहेगा, जिसकी वजह से डिसइंटीग्रेशन हो जाती है। When this process is repeatedly several times, the rock will start disintegrate and soil are formed. मतलब उसके जैसे फिर soil form होती है। तो आइए अगला point देखते हैं। तो second क्या है, frost। Frost मतलब कि जो पानी जो होता है ना, पानी जो होता है rocks के अंदर चला जाता है, rocks के अंदर चला जाता है, और फिर जब temperature जो होता है 0 डिग्री या 0 से कम हो जाता है, तो मतलब वो पानी जो है वो फ्रीज हो जाएगा। फ्रीज हो जाएगा उसकी वजह से उसकी पानी की जो वॉल्यूम होती है वो इंक्रीज हो जाती है, पानी की वॉल्यूम इंक्रीज हो जाती है। तो जो रॉक होती है ना, वो पानी की वॉल्यूम, उसके अंदर पानी था तो वॉल्यूम इंक्रीज होगी तो डिस्ट्रॉय होगी। डिस्ट्रॉय होगी उससे जो कन्वर्ट होगी छोटे पार्टिकल में, और उससे फिर सॉइल बनेगी, कन्वर्टेड है सॉइल। तो ये पॉइंट यही कह रहा है। आइए अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट क्या बोल रहा है, और कैसे रॉक सॉइल बन सकती है, मतलब रूट ऑफ प्लांट। मतलब रूट ऑफ प्लांट मतलब रूट जो है वो रॉक्स के अंदर चली जाएगी। ग्रोथ ऑफ प्लांट इन द क्रैक ऑफ रॉक्स, मतलब क्रैक्स जो है रॉक के उनके अंदर रूट जो है बढ़ती जा रही है। केस देयर रूट एक्सपेंड, मतलब एक्सपेंड होती जाएगी रूट। दिस एक्सपेंडिंग रूट एग्जर्ट फोर्स ऑन रॉक, देयर बाय डिसइंटीग्रेशन देम इंटू सॉइल। मतलब फिर वो रॉक जो है वो इतना फोर्स लगाएगी जिसकी वजह से रॉक जो है टूट जाएगी, और फिर उससे सॉइल फॉर्मेशन होगी, सॉइल बनेगी। आइए अगला पॉइंट देखते हैं। एब्रेशन मतलब फ्लोइंग वाटर मूविंग ग्लेशियर, मतलब पानी की वजह से भी पानी फ्लो कर रहा है, मतलब उसकी वजह से उस पर फोर्स लग रहा है ग्लेशियर की वजह से, विंड ब्लो की वजह से। केस एब्रेशन ऑफ रॉक पार्टिकल एंड रिजल्टिंग सॉइल फॉर्मेशन। और किस वजह से हो सकती है, और एनिमल की वजह से भी हो सकती है। एनिमल रॉक्स के ऊपर मूव कर रहा है, मतलब फिर रॉक टूटेगी छोटे टुकड़ों में, और उसकी वजह से भी सॉइल फॉर्मेशन होती है। तो आइए अब देखते हैं केमिकल वेदरिंग क्या होती है। केमिकल वेदरिंग भी चार टाइप की होती है, हाइड्रेशन, ऑक्सीडेशन, कार्बोनेशन, हाइड्रोलिसिस। तो हाइड्रेशन क्या होती है, हाइड्रेशन इन हाइड्रेशन वाटर कंबाइन विद रॉक मिनरल, मतलब जो हाइड्रेशन में होता है वाटर जो कंबाइन करता है रॉक मिनरल का, एंड रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ न्यू केमिकल कंपाउंड। और फिर रिजल्ट क्या होता है, न्यू केमिकल कंपाउंड फॉर्म होता है। द केमिकल रिएक्शन केस ए चेंज इन द वॉल्यूम एंड डिकम्पोजिशन ऑफ रॉक इंटू स्मॉल पार्टिकल, और इसकी वजह से सॉइल फॉर्मेशन होती है। तो अगला पॉइंट क्या, ऑक्सीडेशन। इट अकर व्हेन ऑक्सीजन आयन, मतलब ये कब होता है, जब ऑक्सीजन आयन रिएक्ट विद मिनरल प्रेजेंट इन द रॉक। मिनरल से रिएक्ट करता है ऑक्सीजन जो आयन होता है, जो मिनरल से रिएक्ट करता है रॉक्स के अंदर, ऑक्सीडेशन रिजल्ट इन द डिकम्पोजिशन ऑफ रॉक। तो ऐसे भी सॉइल बनती है। और अगला पॉइंट क्या बोल रहा है, कार्बोनेशन। इट इज द टाइप ऑफ केमिकल डिकम्पोजिशन इन विच CO2 इन द एटमोसफेयर कंबाइन विद वॉटर टू फॉर्म कार्बोनिक एसिड। मतलब ये क्या बोल रहा है, CO2 जो एटमोसफेयर में होती है वो वॉटर के साथ कंबाइन होकर कार्बोनिक एसिड बनाती है। द कार्बोनिक एसिड रिएक्ट केमिकली विद रॉक, मतलब रॉक्स के साथ फिर वो रिएक्ट करता है। इन केस दिस देयर डिकम्पोजिशन, मतलब डिकम्पोजिशन होता है जिससे फिर सॉइल फॉर्मेशन होती है। तो आइए अगला लास्ट पॉइंट देखते हैं। लास्ट पॉइंट क्या बोल रहा है, हाइड्रोलिसिस। इट इज अ केमिकल प्रोसेस इन विच वॉटर गेट डिजोल्व इन टू एच पॉजिटिव एन ओ एच नेगेटिव आयन्स। मतलब इनमें जो केमिकल प्रोसेस होता है जिसमें वॉटर जो होता है डिजोल्व होता है इन टू एच पॉजिटिव एन ओ एच नेगेटिव आयन्स में। द हाइड्रोजन आयन रिप्लेस द मेटेलिक आयन सच एस कैल्सियम, सोडियम एंड पोटेशियम इन रॉक मिनरल एंड सॉइल आर फॉर्म विद द न्यू केमिकल कंपोजिशन। तो इसमें क्या होता है, हाइड्रोजन आयन जो रिप्लेस कर देते हैं मेटेलिक आयन को, सच एस कैल्सियम सोडियम, इन कैल्सियम सोडियम और पोटेशियम को, इन रॉक मिनरल एंड द सॉइल फॉर्म विद द न्यू केमिकल कंपोजिशन। फिर नए केमिकल कंपोजिशन के साथ जो होती है सॉइल फॉर्मेशन होती है। तो बस आज के लेक्चर में इतना ही। प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब।